तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन के बारे में। आज है 7 अक्टूबर और आज के दिन दोस्तों भाई अजय देवगन के फैंस बहुत ज़्यादा खुश होने वाले दोस्तों, क्योंकि भाई आज सिंघम 3 का ट्रेलर आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन के ट्रेलर की रन टाइम के बारे में बात करेंगे, साथ साथ ये बताएंगे कि भाई कितने बजे ये ट्रेलर लॉन्च करा जाएगा और कितने बजे दोस्तों ये ट्रेलर यूट्यूब पर डाल जाएगा। क्योंकि भाई कई सारे लोग, आप सबको तो पता है कि भाई सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है वो बड़े इवेंट के साथ भाई साहब लॉन्च कर जाएगा। रोहित शेट्टी की कुछ अलग ही प्लानिंग है दोस्तों ट्रेलर लॉन्च करने में, और आपको पता होगा कि भाई इसके अंदर आपको टीजर, ट्रेलर, प्रोमो सब आपको इसी ट्रेलर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई बुक माई शो पर इंटरेस्ट पर। दोस्तों हम भूल भुलैया 3 के सबसे पहले इंटरेस्ट आपको बताएंगे। इसके जो अब तक इंटरेस्ट है दोस्तों 1,52,300, यानी कि भाई सिंघम अगेन के इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों भाई सिर्फ 3,000 कम है, 1,55,700 इंटरेस्ट है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। यानी कि भाई दोनों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं भाई, मतलब भूल भुलैया 3 भी दोस्तों लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है और भाई साहब सिंघम अगेन भी भाई लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। यानी कि भाई दोनों की जो कमाई होने वाली है वो ज़्यादा ही तगड़ी होने वाली है। यानी कि भाई दोनों मूवी के लिए लोग ज़्यादा ही इंटरेस्ट हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई रोहित शेट्टी ने सिंघम 3 के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर ली है दोस्तों। आपको याद होगा भाई इसका अब तक कोई भी पोस्टर, जब से मूवी रिलीज़ मतलब डेट अनाउंसमेंट, मतलब जब से मूवी दोस्तों अनाउंसमेंट हुई है कि भाई हम सिंघम 3 लेकर आ रहे हैं, जब से भाई ना तो इसका कोई पोस्टर आया, ना कोई दोस्तों इसका टीजर आया, ना कोई इसका कोई प्रोमो आया, ना कोई दोस्तों इसका भाई सबसे पहले भाई टीजर से पहले भाई ट्रेलर से पहले भाई टीजर आता, लेकिन भाई साहब कोई भी टीजर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। कहने का मतलब है कि आपको इस ट्रेलर के अंदर आपको टीजर, प्रोमो, सॉन्ग आपको सब देखने को मिलेंगे। इस ट्रेलर की जो रन टाइम होने वाला तकरीबन 4 मिनट 57 सेकंड का ट्रेलर होने वाला दोस्तों, यानी कि आप एक कोई सॉन्ग सुनते हैं वो जो फुल सॉन्ग होता है भाई साहब उसकी ड्यूरेशन इतनी होती है, लेकिन भाई सिंघम 3 का ट्रेलर का रन टाइम भाई 4 मिनट 57 सेकंड का रन टाइम होने वाला है दोस्तों। यानी कि भाई रोहित शेट्टी ने पूरी तैयारी कर ली कि भाई हम ट्रेलर के अंदर ही सबसे बड़ा धमाका करेंगे। अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई रोहित शेट्टी ट्रेलर के अंदर भाई पूरी मूवी दिखा देगा। यानी कि भाई ट्रेलर कई सारे लोगों के हिसाब से ट्रेलर जो होता है वो 2.5 मिनट तक का ठीक होता है, क्योंकि भाई लोगों को समझ में नहीं आता ट्रेलर, फिर भाई वो मूवी का इंतज़ार करते हैं। ट्रेलर लंबा करोगे तो भाई साहब मूवी को नुकसान होगा, इस तरह का भाई कई सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन भाई मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ना तो भाई इसका कोई पोस्टर आया, ना तो भाई इसका कोई टीजर आया, तो भाई डायरेक्ट टीजर, पोस्टर प्लस ट्रेलर दोस्तों, यानी कि भाई धमाका। यानी कि आपको ट्रेलर के साथ साथ आपको कई सारे पोस्टर भी देखने को मिलेंगे, जो कि भाई टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर इसके अंदर विलन का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। यानी कि भाई इस ट्रेलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबकी अलग अलग तरीके से एंट्री। अक्षय कुमार की अलग एंट्री देखने को मिलेगी, रणवीर सिंह की आपको अलग एंट्री देखने को मिलेगी, अजय देवगन की तो भाई एंट्री पर भाई सोने पर सुहागा होगा, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, यानी कि भाई अर्जुन कपूर का जो करेक्टर होगा वो बहुत ही ज़्यादा धांसू होगा। जब ट्रेलर में आप देखेंगे दोस्तों आप मजबूर हो जाएंगे कि भाई मैं सिंघम 3 देखूंगा देखूंगा देखूंगा। इतनी तगड़ी एक्टिंग करी है बताई जा रही है दोस्तों, और इनसाइड रिपोर्ट से पता चला है कि भाई जिन लोगों ने ये ट्रेलर देखा है दोस्तों, क्योंकि भाई कुछ खास लोग होते हैं और जो खास लोग दोस्तों पूरी बात बताते नहीं हैं, कुछ ऐसे हिंट दे जाते हैं जो कि भाई सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। इनसाइड रिपोर्ट से पता चला है कि भाई जिन लोगों ने सिंघम 3 का ट्रेलर देखा है भाई मास्टरपीस, माइंड ब्लोइंग सबके सब दोस्तों है। लेकिन भाई मेरा कहना है कि जब तक हम सिंघम 3 का ट्रेलर नहीं देखेंगे तो भाई हम कैसे मानेंगे कि भाई मास्टरपीस है। ऐसी भाई कई सारी फिल्मों के साथ हुआ है, इनसाइड रिपोर्ट से पता चलता है कि भाई मूवी मास्टरपीस है, यह है जब भाई बॉक्स ऑफिस पर आती है तो भाई साहब औंधे मुँह गिर जाती है। तो कहने का मतलब है कि भाई जब तक हम नहीं देखेंगे ट्रेलर कैसा है तो भाई नो मास्टरपीस, नो दोस्तों अच्छा मूवी लगे। जब तक भाई जो हमारी ऑडियंस है, जो भाई कुछ लोगों को अच्छा लग गया, भाई मैं 100 में से 1 हूँ तो भाई साहब मुझे अच्छा लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई सब 100 के 100 अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि भाई ट्रेलर ऐसा हो जो सबको पसंद आए। तो गाइस एक बात पता चली है कि भाई सिंघम अगेन का जो ट्रेलर उसका रन टाइम मैंने आपको बताया कि 4 मिनट 57 सेकेंड का, और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रिलीज़ करा जाएगा, आप सबको तो पता है कि भाई 2000 फैंस के साथ, यानी कि भाई अजय देवगन के 2000 से ज़्यादा फैंस होंगे, एक इवेंट होगा
उसके बीच में ट्रेलर को लॉन्च कर जाएगा तकरीबन शाम के 5 या 6 बजे करीब। सिंघम 3 का ट्रेलर दोस्तों YouTube पर आ जाएगा, इस तरह की इनसाइड रिपोर्ट से पता चला। लेकिन भाई मैं आपको वन वर्ड में बता दूं कि भाई ये जो मूवी है सिंघम 3, ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेगी। आप सबको तो पता है कि भाई कल के दिन भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आना था, लेकिन भाई साहब वहाँ से पोस्टपोन्ड हो गया। पोस्टपोन्ड होने की वजह आप सबको भी तो पता है कि भाई डर डर डर। तो गाइस जब इतना डर है भूल भुलैया 3 वालों को, तो भाई सिंघम 3 से क्यों भिड़ हुआ? उनको अच्छी तरह पता है कि भाई हम सिंघम 3 के आगे भाई टिक नहीं पाएंगे। भाई साहब स्त्री 2 के सामने भाई कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, जब जाके इन्होंने इतना बड़ा धमाका कर दिया। अगर भाई स्त्री 2 के सामने वेदा मूवी अच्छी होती या खेल खेल में मूवी अच्छी होती तो भाई साहब वो भी इतना तगड़ा बिजनेस नहीं कर पाती। लेकिन भाई मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि भाई सिंघम 3 आने वाली अक्षय कुमार दोस्तों अजय देवगन की फ़िल्म जो है वो 500 करोड़ में कमाने वाली पहली फिल्म बनेगी करियर की अजय देवगन की, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भाई इसकी जो फिल्म है रोहित शेट्टी का डायरेक्शन पे दोस्तों बिल्कुल भी शक नहीं करा जा सकता भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी आप सिंघम अगेन के ट्रेलर से कितना एक्साइटमेंट है, क्या आप शाम को फ्री हैं सिंघम अगेन का ट्रेलर देखने के लिए? कमेंट बॉक्स में बताएं। जो इनसाइड रिपोर्ट से पता चली है दोस्तों वही हमने आपको बताया कि भाई शाम तक इसका ट्रेलर आएगा, उसके बाद दोस्तों भाई कुछ देर बाद भाई यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। और भाई ये जो ट्रेलर है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि ट्रेलर ही डिसाइड कर देगा कि भाई मूवी किस लेवल की होने वाली है। दोस्तों अजय देवगन की जो पिछली फिल्म है मैदान मूवी, मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन भाई इसको जो कलेक्शन के हिसाब से भाई जो रेस्पॉन्स नहीं मिला ये मुझे सबसे बुरा लगा। दोस्तों जब एक साथ मूवी रिलीज़ हुई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान मूवी, जब दोस्तों भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ लोगों को पसंद नहीं आ रही तो लोगों को भाई मैदान मूवी देखनी चाहिए थी। भाई वो मूवी अच्छी है, अच्छा कंटेंट है, अजय देवगन ने अच्छी एक्टिंग कर रखी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोस्तों भाई मैदान के सामने कुछ भी नहीं थी, दोनों का बजट दोस्तों हाई था, लेकिन भाई दोनों ही एक साथ डुबकी लगाई और भाई दोनों ही भाई साहब डूब गई, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो गाइस मैंने सबसे पहले मैदान मूवी देखी थी, उसके बाद दोस्तों फिर मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी देखी थी। क्योंकि भाई जब मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रिव्यू देखे, जब फर्स्ट शो देखा तो भाई साहब मुझे लगा कि भाई ये सिर्फ फालतू की फिल्म है और भाई यहाँ पर सिर्फ एक्शन है और दोस्तों यहाँ पर फाइट है, बाकी स्क्रिप्ट लाइन का भाई कुछ भी अता पता नहीं है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। फिर भाई मैं मैदान मूवी देखा, फिर मैदान मूवी देखने के बाद जो मैंने फील करा कि भाई मूवी है तो ये है। हाँ मूवी में दोस्तों एक्शन नहीं है, थ्रिलर नहीं है, फाइट नहीं है, लेकिन भाई जो स्क्रिप्ट लाइन चलती है भाई हर सीन पर दोस्तों तालियां बजाने का मन करता है। और भाई जो अजय देवगन की एक्टिंग है भाई साहब उस पर तो सलूट मारने का मन करता है। बाकी आप सिंघम 3 के ट्रेलर से कितना एक्साइटमेंट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तकरीबन शाम के आसपास दोस्तों उस ट्रेलर को रिलीज़ कर जाएगा, बाकी हम कंफर्म नहीं है। कभी आप कमेंट बॉक्स में गाली दो कि भाई कंफर्म कर इसको। बाकी अब चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता कितना एक्साइटमेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।